कीर्ति सुरेश की शादी की न्यूज फिर से कर रही है ट्रेंड। कहा जा रहा है गोवा में होगी कीर्ति की शादी, लेकिन क्या इस बार ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही ये रूमर्स है सही? कीर्ति सुरेश की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से हेडलाइंस बना रही है, क्योंकि उनकी शादी के रूमर्स ऑनलाइन सरफेस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंटनी थाटिल से शादी करने जा रही है। ये कपल रिपोर्टेडली 15 साल से रिलेशनशिप में है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कीर्ति और एंटनी की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब कीर्ति हाई स्कूल में थी और एंटनी कोची में अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज परस्यू कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी शादी एक इंटीमेट सेरेमनी होगी जो गोवा में 11 और 12 दिसंबर को होगी। इस शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स और क्लोज लव्ड वंस शामिल होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का फैंस को अभी भी इंतजार है। पहले ये रूमर्स थे कि कीर्ति के दिसंबर में एक अरेंज मैरिज होगी जो उनके पेरेंट्स ने अरेंज की थी। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ग्रुप उनके एक रिलेटिव थे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कीर्ति सुरेश की शादी के रूमर्स ने बस क्रिएट किया हो। पिछले साल रघु थाटा एक्ट्रेस का नाम एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन फरहान बिन लियाकत के साथ लिंक किया गया था। ये स्पेकुलेशन तब शुरू हुई जब कीर्ति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनके साथ एक फोटो शेयर की थी। फ्रंट पर कीर्ति सुरेश अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन के ऑपोजिट नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास कन्नी वेडी और रिवॉल्वर रीता जैसे दो और बड़े प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। बच्चन को उनकी डॉटर आराध्या ने इंस्पायर किया टू साइन द फिल्म आई वांट टू टॉक? क्या है आराध्या और जूनियर बच्चन के इस मच टॉक्ड अबाउट फिल्म का कनेक्शन? अभिषेक बच्चन जो रिसेंटली 10वीं और घूमर के साथ ऑडियंस को इंप्रेस कर चुके हैं, अब एक और धमाकेदार फिल्म के साथ बड़े स्क्रीन पर वापस आने के लिए तैयार है। उनकी अपकमिंग फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक 22 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। प्रमोशंस के दौरान एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि कैसे उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने उन्हें इस रोल के लिए इंस्पायर किया। इस इंटरव्यू में अभिषेक ने शेयर किया, व्हाइल आराध्या वाज यंगर शी हैड अ बुक इन विच वन कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड हेल्प एज द मोस्ट करेजियस वर्ड इन द वर्ल्ड। ये सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज उनके दिल को छू गया। उन्होंने समझाया कि हेल्प मांगना कभी वीकनेस नहीं होती, बल्कि ये रेजिलियंस की एक निशानी है। उन्होंने कहा, इट मींस यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, यू विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू कैरी ऑन। अभिषेक के कैरेक्टर अर्जुन की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अर्जुन एक ऐसे इंसान है जो पिछले 30 साल से ज्यादा मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन कभी गिव अप नहीं करता। अभिषेक ने कहा, ही इज नॉट गिविंग अप फॉर समबडी हु हैज डेल्ट विद द थिंग्स दैट ही हैज डेल्ट विद एंड कंटिन्यूज टू डील विद। इट इज वेरी इजी टू बी फेड अप आफ्टर 31 ऑड इयर्स एंड से बहुत हो गया है, अब और नहीं करना है। आई वॉन्ट टू टॉक एक खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये अभिषेक की शुजित सरकार के साथ पहला कोलैबोरेशन है। शुजित सरकार बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और एडमायर्ड फिल्म मेकर्स में से एक है, जो अक्टूबर, सरदार उद्धम और पीको जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स के लिए फेमस है। इंटरेस्टिंगली, शुजित ने पहले अभिषेक के फादर अमिताभ बच्चन के साथ पीकू और गुलाब और सिताबों पर काम किया है।
आई वॉन्ट टू टॉक का ट्रेलर 5 नवंबर 2024 को रिलीज हुआ था और फैंस और इंडस्ट्री से इसे बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं। तो तैयार हो जाइए एक पावरफुल स्टोरी और अभिषेक की एक और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिए जो आपको पूरा टाइम स्क्रीन के साथ बांध कर रख देगी। शोभिता धुलीपाला और नागा चैतन्य की शादी अब ऑफिशियली बस बन चुकी है। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये अडोरेबल कपल फाइनली इस साल के एंड तक शादी के बंधन में बनने वाले हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राइड टू बी शोभिता ने अपने वेडिंग आउटफिट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से शोभिता ने अपनी शादी के दिन के लिए एक स्टनिंग कांजीवरम साड़ी सिलेक्ट की है जिसमें रियल गोल्ड जरी का काम है। अब ये डिजाइनर हैवी नहीं पर इट्स रूटेड इन ट्रेडिशन और काफी एलिगेंट है। और एक और वेडिंग फंक्शन के लिए शोभिता ने स्पेशली पोंडोरू आंध्र प्रदेश से वूवन एक सिंपल व्हाइट खादी साड़ी चूज की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ग्रूम नागा चैतन्य के लिए भी एक मैचिंग सेट अरेंज किया है। Isn't that so thoughtful? एक सोर्स ने बताया शोभिता धुलीपाला हैज पिक्ड अ ब्यूटीफुल कांजीवरम सिल्क साड़ी विद रियल गोल्ड जरी व्हाइल शॉपिंग विद हर मदर। शी इज आल्सो गेटिंग अ सिंपल व्हाइट खादी साड़ी वूवन इन पोंडोरू आंध्र प्रदेश अलोंग विद अ मैचिंग सेट फॉर चैतन्य फॉलोइंग ट्रेडिशन। शोभिता इज पर्सनली इन्वॉल्वड इन एवरी डिटेल एडिंग अ स्पेशल एंड हार्टफेल्ट टच टू हर बिग डे। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि शोभिता ने आउटफिट को पर्सनली शॉप किया है अपनी माँ के साथ। हर छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखते हुए वो अपनी शादी में एक पर्सनल टच ऐड कर रही हैं। और अब बात करते हैं लीक्ड वेडिंग इनवाइट की। कुछ दिन पहले इनके वेडिंग इनवाइट की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई थी जिसमें शादी की डेट 4 दिसंबर बताई गई है। और सिर्फ इनवाइट ही नहीं, शोभिता और नागा ने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के लिए स्पेशल क्यूरेटेड गिफ्ट बास्केट्स भी भेजी हैं। बैंबू से बनी ये बास्केट्स इंक्लूड करते हैं फ्लावर्स, इकत प्रिंटेड क्लोथ, फूड आइटम्स, एक ट्रेडिशनल स्क्रोल और गुडीज भी। शादी की तैयारी फुल स्विंग में है और ये कपल हर चीज में अपना 100% दे रहे हैं। अब तो फैंस भी बस 4 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल लव स्टोरी टर्निंग इनटू अ लाइफलॉन्ग बॉन्ड। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार आथिया शेट्टी को एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट, लेकिन क्या इस दौरान सून टू बी मॉम ने अपना बेबी बम्प हाइड करने की कोशिश की व्हाइल ट्राइंग टू अवॉइड पैपराजी? इसके साथ ही आथिया की रेयर पब्लिक अपीयरेंस ने फैंस के मन में सवाल है कि क्या वो पर्थ जा रही है अपने हस्बैंड की अपकमिंग टेस्ट सीरीज अटेंड करने के लिए। सुनील शेट्टी की डॉटर और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है और ये गुड न्यूज उन्होंने अपने हस्बैंड केएल राहुल के साथ मिलकर इस महीने की शुरुआत में सबके साथ शेयर की और तब से ही सून टू बी मॉम हर जगह लाइमलाइट में है। अब रिसेंटली आथिया एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, यहाँ उन्होंने पैपराजी से बचने के लिए एक अलग गेट से एंट्री की और दूसरे लोगों के साथ काउंटर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, लेकिन बावजूद इसके पैपराजी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। इस दौरान सून टू बी मॉम लूज फिटिंग सलवार सूट में थी, उन्होंने एक प्रिंटेड कुर्ता के साथ मैचिंग पैंट्स और दुपट्टा स्टाइल किया।
ओपन हेयर और एक ब्लैक हैंडबैग के साथ उनका लुक काफी ग्रेसफुल लग रहा था। आथिया ने लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए फ्लाइट बोर्ड की और पैपराजी से बचने की कोशिश भी की जब वो एयरपोर्ट प्रेमिसेस में एंटर हुई। आप देख सकते हैं आथिया के लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस की एक वीडियो में वो कैसे अपने बेबी बम्प को दुपट्टा से छुपाते फोटोग्राफर्स के सामने से जल्दी निकल जाती है। इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वो अपने हस्बैंड की अपकमिंग टेस्ट सीरीज अटेंड करने के लिए पर्थ जा रही है। बता दें इस महीने के शुरुआत में आथिया और राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये बड़ी खबर अनाउंस की थी। अपने पोस्ट के कैप्शन में पेरेंट्स टू बी ने लिखा, अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग इज कमिंग सून 2025। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके लव्ड वंस ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिसमें वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, खुशी कपूर और कियारा आडवाणी जैसे स्टार्स शामिल थे। वेल, आथिया और केएल राहुल की शादी जनवरी 2023 में सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में एक सिंपल और इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में हुई थी और अब शादी के लगभग डेढ़ साल बाद दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ऐसे में अब हर किसी को आथिया के लाइफ के इस नए चैप्टर की शुरुआत का इंतजार रहेगा, पर फिलहाल फैंस आथिया की ये खास झलक देखकर काफी खुश और एक्साइटेड है।